थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा मिसेस भट्ट का, प्रिंसिपल का और सारे स्टाफ का, सारे टीचर्स का, सारे पेरेंट्स का और सबसे ज्यादा सारे बच्चों का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मुझे ऑनेस्टली इतनी खुशी हो रही है, इतना इमोशनल हो रहा हूं मैं आज। 46 इयर्स, 1977 में जब मैं पास आउट किया था तो कभी मैंने ड्रीम भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इसी जगह पे, इसी पोडियम पे खड़े होके एक चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाएगा। मैं स्पेशली अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को आज ये कहना चाहता हूं अगले 20 या 25 मिनट में, जब मैं स्कूल में था तो मैं हेड बॉय बनाया गया और 11th, 10th और 11th, हमारा बैच 11th का बैच था 1977 में, जो कि आखिरी बैच था, उसके बाद 10+2 शुरू हो गया था। और उस समय जब मुझे हेड बॉय बनाया गया था तो इसी पोडियम पे खड़े होके मुझे रोज प्रेयर सेरेमनी को शुरू करना होता था और खत्म होना होता था। और जो उस पोडियम पे खड़े होके जो मैंने लेसन्स लिए, आज मैं कुछ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में वो लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा, तब हमें मालूम होगा कि स्कूल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब मैं स्कूल में था तो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर टी आर गुप्ता और उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी। बहुत सिंपल हिंदी शब्दों में मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक स्कीम शुरू करी थी, एग्जामिनेशन विदाउट इनविजिलेशन। हम सब 30 बच्चों को ये क्लास में, सामने वाली क्लास में बिठाया जाता था और उस समय हमें क्वेश्चन पेपर भी दे दिए जाते थे और आंसर पेपर भी दिए जाते थे। मगर उस स्कीम के अंडर हमारे जितने भी टीचर्स थे, हमारे जितने भी इनविजिलेटर्स थे, वो सारे क्लास से बाहर चले जाते थे। और जब वो क्लास से बाहर चले जाते थे उस समय हमें एग्जाम देना होता था और 3 घंटे के बाद जब वो एग्जाम खत्म होता था तो हमें अपनी आंसर शीट वहीं पे रख के बाहर चले जाना होता था। तो मैं सच बोलता हूं कि जब हम 9th, 10th, 11th क्लास में होते थे तो हमें लगता था ये क्या सिस्टम है और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सारे बच्चे इतने नॉटी बच्चे होते हैं, इतने चुलबुले बच्चे होते हैं, नकल नहीं मारेंगे। पर उस समय शायद मुझे, हमें सबको ये रियलाइज नहीं हुआ था। और बाद में जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जब सर्जरी में पहुंचा, जब अपने हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, तब ये रियलाइज हुआ कि इस छोटे सी सीख की वजह से कितनी सारी वैल्यूज हमारे प्रिंसिपल मिस्टर टी आर गुप्ता जी ने दी कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। मुझे लगता है कि जो वैल्यूज हैं, और आज मैं इतना खुश हुआ और सच में आंखों में आंसू भी आ गए जब 169 बच्चे इतना अच्छा मैसेज दिया 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, तो बहुत मन से खुशी हो रही थी और ये फीलिंग हो रही थी कि ये वैल्यूज लेकर आपने बड़े होना है। ये वैल्यूज सिर्फ स्कूल में, मैं सिंपल भाषा में एक चीज बताता हूं कि सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे मैं टॉपर था और हर बारी क्लास में टॉप करता था, मुझे याद है मैडम मैथमेटिक्स में
मेरे जब मैं अटेम्प्ट करता था तो लास्ट में लिख कर आता था कट वन मार्क इफ पॉसिबल। मैथमेटिक्स में मैं लिख के आता था कट वन मार्क इफ पॉसिबल। तो अभी रिसेंटली एक टीचर का मैंने ऑपरेशन किया गंगाराम हॉस्पिटल में, तो मैं हमेशा ऑपरेशन करते हुए करने से पहले पेशेंट उनसे बात करता हूं कि उनको एक कंफर्ट लेवल आ जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा मैडम आप क्या करती हो, कहती मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूं, तो मैंने बोला कि मैथमेटिक्स में मैं ये लिख के आता था कि कट वन मार्क इफ पॉसिबल, तो कहती हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हो सकता है कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मैडम ने कहा कि नहीं। फिर भी एक हफ्ते के बाद जब वो वापस फॉलो अप में आई तो फिर मैंने पूछा कि मैडम कैसे हो सकता है कि एक नाइन्थ क्लास का बच्चा, टेंथ क्लास का बच्चा, इलेवेंथ क्लास का बच्चा को आंसर शीट में लास्ट में लिख के आए कट वन मार्क इफ पॉसिबल, करी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं आज आपको तरीका बताता हूं कि मैं क्या करता था, जो मैथमेटिक्स का पेपर होता था उसको अटेम्प्ट करने के बाद नीचे से ऊपर चेक करता था रादर देन ऊपर से नीचे। अगर मैं क्वेश्चन से आंसर की तरफ चलूंगा तो हमेशा वही गलती मिस होती चली जाएगी और वो मैं कभी गलती पकड़ भी नहीं पाऊंगा। मगर जब मैं नीचे जब आंसर पे पहुंच गया और उस इक्वेशन पे या उस क्वेश्चन पे जब मैं पहुंच जाता था तो उसमें इसीलिए मैं लिख पाता था कट वन मार्क इफ पॉसिबल। व्हाट इज द लेसन ऑफ द स्टोरी? लेसन ऑफ द स्टोरी इज वर्क बैकवर्ड्स, वर्क बैकवर्ड्स। मैं जब अभी आज सुबह स्कूल में एंटर किया और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग जान के 8:15 बजे यहां पहुंच गया, और जब मुझे मालूम था कि सेशन 9 बजे से शुरू होना है, पर जब मैं 8:15 बजे पहुंचा तो मिसेस भट्ट को मैंने देखा, वो उसी तरीके से आज भी उतनी मेहनत कर रही थी जैसे हम सर्जरी में करते हैं, चेक 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 चेक, री चेक, क्रॉस चेक, काउंटर चेक, चेक एंड चेक। एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। आई एम सो डिलाइटेड, सो हैप्पी। और मुझे लगता है मेरे छोटे प्यारे बच्चों को अगर ये कंसेप्ट मन में आ जाए कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो बाद में मेडिकल कॉलेज में जाना हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो या घर में भी खेलना हो। अगर हमारे को याद है यहां पे हमारा एक ये बास्केटबॉल अभी भी लगे हुए हैं पिलर्स, तो उस समय हम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स खेला करते थे, पर उस समय ये जो जद्दोजहद थी, जो मन में एक इच्छा होती थी, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए कि वी शुड विन एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली वो जो वैल्यूज जो स्कूल ने दी वो आज तक काम आ रही है। और मैं एक और बात शेयर करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स में हमारे समय में क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 7 out of 10, और मैं हमेशा लिख के आता था चेक एनी 7, चेक एनी 7। कि मन में ऑनेस्टली, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अपनी बढ़ाई कराने के लिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जो स्कूल में जो वैल्यूज दी गई हमें और जो कॉन्फिडेंस दिया गया, उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली, मुझे बाद में सर्जरी में एडमिशन मिली, और बाद में मैंने बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह जब काम किया तब रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट होना, बिलीव इन योरसेल्फ होना बहुत जरूरी है। और जब एक बार मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे अपने आप का बेस्ट देना है, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, तो हमेशा कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और आज जो प्ले स्पेशली इस आज की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में दिखाया गया और आप सबको इतनी चीजें सीखने को मिली कि झंडे में रंग 3 नहीं 4 होते हैं, कितनी अच्छी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बच्ची ने कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी। मैं सारी टीम को, स्पेशली जो म्यूजिक टीम थी और जिन्होंने ये प्ले ड्रामेटिक्स
क्योंकि मैं भी उन दिनों में आज भी याद करता हूं कि ड्रामेटिक्स म्यूजिक प्लेज में खूब ज्यादा एक्टिव था, पढ़ाई तो करता ही था, टॉपर तो था ही सही, मगर इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो मुझे लगता है कि अगर हमने सोच लिया है कि जिंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें ड्रामेटिक्स में म्यूजिक में प्लेज में भी काम करना है। एक छोटी स्टोरी इसी के साथ ही मैं अटैच करता हूं कि एक छोटा बच्चा चेस प्लेयर था, शतरंज खेलता था और अपने आप को बहुत जिसको कहते हैं महारत ले चुका था। तो एक बार गुरु के पास गया और गुरु को जाके कहा कि मैं आपकी एकेडमी या आपका स्कूल या आपकी क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूं चेस के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, छोटे से बच्चे हो, आप कैसे स्कूल आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, यहां तो सिर्फ चैंपियंस आते हैं और हम चैंपियंस को ही और प्रखर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, हमारे पास छोटे बच्चे नहीं आते। तो टीचर या गुरु दो तीन चार बार जब बच्चे ने रिक्वेस्ट करी तो टीचर ने कहा चलो अच्छा एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि अगर तुम सच में चेस अच्छी खेलते हो तो हमारे चैंपियन जो हैं उनके साथ चेस खेलनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। कहते पर उसकी एक कंडीशन है। उन्होंने कहा क्या कंडीशन है? कहते हैं कि कंडीशन यह है कि जो हार गया गेम में उसका सिर काट दिया जाएगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। तो बच्चे का जो विश्वास था अपने आप पर अपने गेम के ऊपर, उसने कहा मुझे मंजूर है, मैं चेस खेलने को तैयार हूं और मैं आपके जो चैंपियन हैं उनके साथ चेस खेलने को तैयार हूं। और जब वो चेस की गेम शुरू हुई, गुरुजी या मिसेस भट्ट देख रही थी कि गेम शुरू हो चुकी है, एक घंटा बीत गया, डेढ़ घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए। दो घंटे के बाद गुरुजी ने कहा कि गेम रोक दी जाए। तो बच्चा भी हैरान हो गया और जो चैंपियन था वो भी हैरान हो गया कि रोक कैसे सकते हैं गेम को। और गुरुजी बोले कि एक घंटा पहले मैं देख चुका था कि तुम बच्चे जीत चुके हो, मगर अगला आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा सिर्फ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आज से तुम मेरे स्कूल में मेरे क्लब में मेरे एकेडमी में शामिल किए जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्किल तो है ही सही, स्किल की वजह से तुम जीत तो गए थे, मगर तुम्हारे अंदर कंपैशन है और उस कंपैशन की वजह से ही आज एक अच्छे प्लेयर बन चुके हो और बहुत अच्छे प्लेयर बनोगे। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी में और इस प्ले में यही था कि हमें हम सब को सिर्फ अपने भाई या अपनी बहन या अपने पेरेंट्स का सिर्फ वो ध्यान नहीं करना है, हमारी सब की हम सब बच्चों की हम सब की ड्यूटी है कि जैसे मैडम ने भी प्रोजेक्ट किया कि अल्टीमेटली सारे वर्ल्ड को हमने अपना समझना है। और जिस दिन हमने सारे वर्ल्ड को अपना कुटुंब समझना शुरू किया, अपनी फैमिली समझनी शुरू करी, मैं आज भी साफ कहता हूं जब मैं ऑपरेट करता हूं, जब मैं ऑपरेशन चाहे मोटापे का हो या गॉल ब्लैडर का हो या कोई भी ऑपरेशन हो, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी सिस्टर को ऑपरेट कर रहा हूं, मैं अपने ब्रदर को ऑपरेट कर रहा हूं या फादर या मदर को ऑपरेट कर रहा हूं, और उसकी वजह से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, और तभी आंसर मैं हमेशा हर बारी अपने मरीजों को अपने पेशेंट्स को बेस्ट दे पाता हूं। तो व्हाट इज द लेसन ऑफ द स्टोरी? माय लेसन फॉर स्पेशली फॉर यू इज, और जो बच्चे 10वीं क्लास के 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के थोड़े बड़े होके जब स्कूल से निकलेंगे तो ये मत सोचें कि हर बारी केक वॉक होगा, केक वॉक नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं हेड बॉय था, मैं स्कूल में टॉपर था, पर जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो वहां पे तो सारे टॉपर थे, सारे स्कूलों के टॉपर थे, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा।
और जब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा तब समझ आया कि जो छोटे छोटे वहां पे एग्जाम होते थे, मंडे टेस्ट होते थे या सेंटअप्स होते थे या प्रोफेशनल एग्जाम्स होते थे, वो सिर्फ आपको इसीलिए दिए जाते थे कि आप धीरे धीरे करके स्ट्रेस को झेलना सीख जाओ। और जिस दिन हमने एमबीबीएस खत्म करी या एमएस खत्म करी, तब समझ आया कि ये छोट, वो कहते हैं ना बड़े सिंपल, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सफर में निकलोगे धूप तो होगी ही, सफर में निकले हो धूप तो होगी ही। तो जब हम बाहर निकलेंगे तब समझ आएगा कि अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस को झेलने का तरीका भी आना होगा, सीखना होगा। और उसके लिए अगेन एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूं, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा। कि एक बार एक घर के अंदर वाइफ कॉफी लेकर आई और हस्बैंड के सामने डाइनिंग टेबल पर रख दी, और इतनी देर में छोटी बच्ची आई और उसने डाइनिंग टेबल को हिलाया तो सारी कॉफी हस्बैंड के सूट के ऊपर गिर गई। और जब वो सूट पे गिर गई तो हम सब घर में जब देखते हैं तो हस्बैंड ने वाइफ को डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं कि कॉफी कहां रखनी चाहिए, तुमने मेरे सामने कॉफी रख दी, तुम्हें तो कॉफी को सेंटर ऑफ द टेबल में रखना चाहिए था। और इतनी देर में आपस में दोनों हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई शुरू हो गई। और वाइफ बोली कि अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी स्कूल जा रही हूं और मैं बच्ची को स्कूल में नहीं छोड़ने जाऊंगी, आज आपको ही छोड़ना होगा। तो हस्बैंड ने चेंज किया, सूट बदला, बच्ची को गाड़ी में बिठाया और जैसे ही स्कूल के बाहर छोड़ा और बोला बाय बेटा, बच्ची ने जवाब भी नहीं दिया, कोई बाय का जवाब नहीं दिया और सीधा स्कूल में चली गई। तो फादर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। इतनी देर में जब फादर अपने ऑफिस पहुंचा तो गेट कीपर, उसने कह दिया, चौकीदार ने कहा कि आज ना आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। और वो जब चेयरमैन साहब के पास पहुंचा तो चेयरमैन साहब ने उनको डांटना शुरू कर दिया कि तुम हर रोज लेट आते हो, तुम काम भी नहीं करते हो, और बहुत कुछ सुना दिया। तो उसने कहा भी सही कि सर नहीं, मैं आज ही लेट हुआ। उसने कहा नहीं, आप हर बारी बहाना मारते हो। और इतनी देर में जब अपने रूम में पहुंचे तो अपने जितने भी सुबॉर्डिनेट्स थे उनको भी सबको उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। और जब सबको डांटना शुरू कर दिया, शाम हो गई और जब घर की तरफ निकले तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि हुआ क्या, आज हुआ क्या, कि सारा दिन मेरा तो खराब हुआ और मेरी वजह से बाकियों का भी खराब हुआ, क्या रीजन होगा। इसका रीजन उनको जब समझ आया, और मेरे टीचर थे डॉक्टर बी एस राणा, अब वो नहीं है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने मुझे सिखाया रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट, रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट। अगर हम किसी भी लेवल पे, चाहे वो पेरेंट्स के लेवल पे, चाहे वो स्टूडेंट्स के लेवल पे, चाहे टीचर्स के लेवल पे, चाहे डॉक्टर्स के लेवल पे, चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच के भी, अगर हम लाइफ में इतना सा सेंटेंस सीख लेते हैं कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड बट नेवर एवर रिएक्ट, तो काफी सारी सिचुएशंस आराम से संभाली जा सकती हैं। तो ये मैं आज स्पेशली मैं अपने यंग प्यारे प्यारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज टीचर्स को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यू नेवर नो, उसी जगह पे आके फिर आपको भी भाषण देना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप स्कूल से निकल जाते हो तब आपको ख्याल आता है कि हमारे फिजिक्स के टीचर इस तरीके से थे, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर इस तरह से। मैं आपको कहूं, मिस्टर जेसी चौधरी, आप सब जानते होंगे जेसी चौधरी साहब हमारे बायोलॉजी के टीचर थे 9th क्लास में जब मैं यहाँ था, और उस समय हमने वहां पे एक बोटैनिकल गार्डन बनाया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और बाद में बायोलॉजी में जब मैं अच्छे नंबर आए, मौलाना आजाद मेडिकल पहुंच गया, पर आज भी मिस्टर जेसी चौधरी हमेशा मुझे, आकाश इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं और सारे बच्चों के सामने, सारे टीचर्स के सामने हमेशा कहते हैं कि इस बच्चे की वजह से
मेरा नाम लेते हैं पब्लिकली, इस बच्चे की वजह से मैं पढ़ के आया करता था, मैं पढ़ के आया करता था, क्योंकि ये बच्चा इतने क्वेश्चन पूछता था तो मुझे भी लगता था कि आज प्रवीण इतना पढ़ के आया होगा, और उसके बाद अगर मैंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो डेफिनेटली एक डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरी फीलिंग ये है कि हम सब को अपना बेस्ट देना है, चाहे हम डॉक्टर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम सोल्जर्स बने, हमें अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने वर्ल्ड के लिए इतना कुछ करना है, मगर उसके लिए छोटी छोटी वैल्यूज जो टीचर्स, जो प्रिंसिपल जो सिखाती हैं, और वो हम अगर वो हम जिंदगी भर अगर याद रखेंगे तभी हम एक मुकाम पे पहुंच पाएंगे। और दूसरा, एक छोटा छोटे छोटे फ्रॉग्स थे, मेंढक थे, और मेंढकों ने एक दिन सोचा कि हमें ना टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना है। और जब माउंटेन पे रेस शुरू हुई 26 जनवरी को सुबह 9 बजे जब रेस शुरू हुई, तो उसमें मेंढकों से ज्यादा ऑनलुकर्स पहुंच गए। जब ऑनलुकर्स पहुंच गए, रेस शुरू हुई, तो पता लगा एक गिरा, एक मेंढक गिरा, दूसरा गिरा। जो ऑनलुकर्स थे बहुत खुश थे कि आ कमाल हो गया, ये देखो डड्डू थे और अपने आप को सोचते थे कि टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच जाना है। आज देखते हैं कि कैसे टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचेंगे। और जब उन्होंने रेस करनी शुरू करी तो सच में ऐसा हुआ कि एक डड्डू टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। तो जो डड्डू थे या मेंढक थे वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या हुआ कि एक डड्डू कैसे पहुंच गया और बाकी सारे लुढ़क गए, गिर गए। तो पूछा गया और हर एक ने अपना अपना बहाना दिया, मैं तो बहुत खुश था, मुझे क्या जरूरत था टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचने का, भगवान ने मुझे इतना दिया हुआ है, मैं क्यों मेहनत करता। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये साथ वाले डड्डू ने मुझे अड़ंगी दे दी इसलिए मैं गिर गया, अदरवाइज तो मैं पहुंच ही जाता। तीसरे ने कहा नहीं, ये नशा करता होगा इसीलिए ये पहुंच गया है। चौथे ने बोला कि ये स्टीरॉयड लेता होगा इसलिए ये ऊपर पहुंच गया। पांचवें ने बोला कि इनकी ना सिफारिश थी, प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल की सिफारिश थी इसीलिए टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। तो डड्डू, उन सारे डड्डुओं ने उनको बुलाया और ऑनलुकर्स जो थे या सो कॉल्ड क्रिटिसाइजर्स जो थे, उन्होंने उस डड्डू को बुलाया और डड्डू से पूछा कि तुम कैसे पहुंच गए टॉप ऑफ द माउंटेन पे। और आप इमेजिन करो, वो डड्डू स्माइल करता रहा, वो डड्डू मेंढक स्माइल करता रहा। क्यों? क्योंकि वो बहरा था, क्योंकि उसने क्रिटिसिज्म को सुना ही नहीं, उसने सोचा कि ऑनलुकर सारे के सारे इस तरीके से एनकरेज कर रहे हैं इसलिए वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है स्पेशली मेरे बच्चों से, प्यारे बच्चों से, कि क्रिटिसाइजर्स को सुनना नहीं, जो मन में ठान लिया है वो करना है और टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वी विल बी प्राउड दैट अल्टीमेटली तुम में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कल सर्जन बनेंगे, जो हमारा ऑपरेशन करेंगे। इसीलिए हम सेल्फिश होके आज मैं सबको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ कि इतनी मेहनत करो कि डॉक्टर बनो, सर्जन बनो, जनरल बनो, इंजीनियर बनो, डिप्लोमेट बनो, जो भी बनो, पर अपना बेस्ट दो, नथिंग लेस देन द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।